एवरीवन, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फाइनली मई 24 एग्जाम्स आर अबाउट टू एंड, और जैसे ही ये चीज होती है तो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी धक धक स्टार्ट हो जाती है। मैं ये बात कर रहा हूं यहां पर नवंबर 24 स्टूडेंट्स की, एज वेल एज मई 25 अटेम्प्ट के लिए भी। सो ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो है वो सारे के सारे सीए फाइनल के स्टूडेंट्स जो नवंबर 24 में अपना पेपर लिखने वाले हैं। अगर आप मई 25 में भी अपना पेपर लिखने वाले हो तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरा सुनिएगा। मुझे यकीन है कि वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जरूर फायदा मिलेगा, और जो मैं आपको गाइड करने वाला हूं वो गाइडेंस आप जब अप्लाई करोगे अपनी पढ़ाई में तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा। मैं बात करने वाला हूं नवंबर 24 या मई 25 में हम एफआर को कैसे कंप्लीट करें। चाहे आपके क्लासेस हो चुके हैं, चाहे आपके क्लासेस नहीं हो चुके हैं, चाहे आपने क्लासेस कहीं से भी लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप क्लासेस लेने का सोच रहे हैं, ये वीडियो आप जरूर अंत तक देखिएगा। मुझे यकीन है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, दो मिनट में मैं आपको मई 24 के पेपर के बारे में जरूर बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि हम इस पेपर से क्या सीख सकते हैं और इस पेपर के बेसिस पर हमें अपने अटेम्प्ट के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, मैं आपको रिवीजन सीक्वेंस बताने वाला हूं। अगर आपका एफआर का क्लासेस हो भी चुका है और अब आप रिवीजन उठाने की सोच रहे हो तो कैसे उठाएं, किस सीक्वेंस में उठाएं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारा यूजफुल कॉन्टेंट दूंगा जो कि फ्री अवेलेबल है मेरी तरफ से, जिससे डेफिनेटली आप एफआर में एग्जम्पशन टारगेट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हाइलाइट्स की, हाइलाइट्स ऑफ एफआर पेपर मई 24। तीन बातें आपको जरूर समझनी चाहिए। पहला, अगेन द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड कंसोलिडेशन विद गुड एडजस्टमेंट्स। पिछली बार नवंबर 23 में भी हुआ था, इस बार भी ऐसा हुआ था। यार ये लोग कंसोलिडेशन में नया क्यों दे देते हैं, है ना? So, नया टाइप का क्वेश्चन आया, नया टाइप का बेसिकली हुआ ये कि इस बार एक होल्डिंग कंपनी है जिसकी सब्सिडरी कंपनी भी है और इसकी एसोसिएट कंपनी भी है, दोनों को हमें अकाउंट फॉर करना है कंसोलिडेशन के अंदर, और कुछ इंपॉर्टेंट और बढ़िया बढ़िया एडजस्टमेंट्स उन्होंने दिए थे, कुछ एडजस्टमेंट्स उन्होंने नवंबर 23 के रिपीट किए थे। ठीक है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि नया क्वेश्चन आया, ठीक है, पर अप्रोचेबल था। अगर थोड़ा सा टाइम मिलता तो डेफिनेटली हर कोई ये बच्चा कर सकता है क्वेश्चन। टाइम टेकिंग, लॉन्ग केस सिनेरियो एमसीक्यूज एंड बिट ट्रिकी, ये बात पहले से निश्चित थी कि अगर हम सिंगल सिंगल एमसीक्यूज के सहारे जाएंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये बात बिल्कुल क्लियर कट हो गई कि भाई केस सिनेरियोस तो पढ़ के जाने चाहिए थे, इसीलिए मैंने शुरू में ही मई 24 अटेम्प्ट के लिए 50 केस सिनेरियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी थी। जो जो बच्चे पढ़ के गए थे डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिला होगा। अगर आप में ये वीडियो सुन रहे हैं और वो केस सिनेरियोस थोड़ी सी भी देख के गए थे तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो लॉन्ग केस सिनेरियोस एमसीक्यूज आए थे, और अब हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई हमें ये केस सिनेरियो एमसीक्यूज को अच्छे से इंटरप्रेट कैसे करना है और कम से कम टाइम में हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। थोड़े से ट्रिकी भी थे, ठीक है ना, कुछ बच्चों के लिए। और एफआर एज ऑलवेज पेपर लेंदी था, अब ये बात तो डेफिनेटली सही है कि पेपर लेंदी था, और मोस्टली एफआर का पेपर 90% टाइम लेंदी ही होता है। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट रिव्यू जानना है मई 24 अटेम्प्ट का, जो मैंने एफआर का जो पेपर आया उसका कंप्लीट रिव्यू अगर जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 10-15 मिनट का वीडियो है, मैंने पूरा रिव्यू दिया है। अब इस मई 24 से हम अपने अटेम्प्ट के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं, हमारे लिए क्या सीख है। सबसे पहली, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, एंड हमेशा रेडी रहना है कि इंस्टीट्यूट कुछ भी नया पूछ सकता है। ये पहली सीख है आपके लिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए बहुत जरूरी सीख है। आपको छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है और हमेशा ये रेडी रहना है कि इंस्टीट्यूट कुछ भी नया पूछ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, सिंगल एमसीक्यू उसके सहारे नहीं रहना है, चाहे कोई भी कितनी भी किताबें दे दे आपको, चाहे आपको वो बोल दे कि भाई मेरे तो 500 एमसीक्यूज है, मेरे तो 1000 एमसीक्यूज है, उसके बाहर सहारे नहीं रहना है। आपको केस सिनेरियोस एमसीक्यूज के सहारे रहना है, केस सिनेरियोस एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, आपको फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। और तीसरी बात, हमेशा ये मान के चलना है कि एफआर का पेपर लेंदी आएगा, और लेंदी आएगा तो रिविजन के टाइम से ही मुझे कहीं ना कहीं अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पर, राइटिंग स्किल्स पर काम करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग पर काम करना है। सर कैसे कर सकते हैं? जब भी आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करो तो टाइमर लगा के सॉल्व किया करो। याद रखो कि आपके लिए एक मार्क के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिनट्स होते हैं। सर कम बोल रहे हो आप, जानबूझ के कम बोल रहा हूं। तो एक मार्क के लिए 1.5 मिनट्स होते हैं। अगर आपका 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आपके पास 15 मिनट्स हैं। अगर आपके पास 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके पास उसी अकॉर्डिंग में 21-22 मिनट है। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है। कुछ कुछ क्वेश्चन में आपका टाइम तो ज्यादा लग जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप जब ये टाइम के बेसिस पर, टाइम फ्रेम के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एग्जाम के टाइम पर आपको पेपर लेंदी नहीं भी लगेगा, ठीक है। तो ये सीख है आपके लिए, अगर आपको ये समझ आए तो जरूर ट्राई करिएगा, ये सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि सर नवंबर 24 को कैसे प्लान करें। मैंने कहा था कि ये वीडियो मई 25 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि अगर आपके क्लासेस हो चुके हैं तो भी आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो FR नवंबर 24/मई 25 के लिए कैसे प्रिपेयर करें, यहां पर दो टाइप के बच्चे होंगे, जिनके पहला एक जिनके क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, दूसरा जिन्होंने अभी तक कोई क्लासेस नहीं की है, या फिर FR किया है बट कुछ खास नहीं किया है, या फिर अभी मई 24 में ऐसे ही बस दे दिया, उनको वापस से क्लासेस करने की जरूरत पड़ रही है और नवंबर 24 के लिए वो प्लान कर रहे हैं। सो पहले बात करते हैं हम क्लासेस जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, जिनको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, उनको क्या करना चाहिए। गाइस आपके लिए अभी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, मेरे हिसाब से आपको अभी से ही पहला FR का रिविजन करके खत्म कर देना चाहिए। सर कितना अप्रॉक्स हमें टाइम लगेगा, अगर आप दिन भर के 5 घंटे भी देते हो, देखिए आपका वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम आपको देना चाहिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 5 आवर्स इन अ डे तो FR का रिवीजन करने के लिए दे दो, और अगर आप दिन भर में एक सब्जेक्ट भी लेते हो क्योंकि आपकी आर्टिकलशिप चल रही होगी तो 5 घंटे मुझे लगता है सफिशिएंट है। पहले आप FR कंप्लीट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको दिन में दो सब्जेक्ट देने हैं, टाइम कम है, तो आप 2 से 3 घंटे तो मिनिमम दो ही दो FR को, तो आपको कम से कम 1 महीना लग जाएगा। अगर आप 5 घंटे भी देते हो तो आपको 1 महीना देना चाहिए। सर ज्यादा नहीं हो जाएगा बेटा? बिल्कुल ज्यादा नहीं होगा, पहली बार रिवाइज कर रहे हो एक तरीके से, पहली बार रिवाइज करना मतलब एक तरीके से पहली बार पढ़ने के जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद सर जब आप पढ़ रहे होगे, जब आप रिवीजन कर रहे होगे, तो आपको मैं बहुत सारी ऐसी चीजें अभी प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए रिवीजन के दौरान काम आएंगी, चाहे आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी काम आएंगी। क्या बहुत सारा यूजफुल कंटेंट जो मैंने मई 24 के लिए बनाया था वो पूरी की तरह एप्लीकेबल है नवंबर 24 के लिए, जैसे केस सिनेरियो, MCQs, मैं आपको बताऊंगा कहां से मिलेंगे, ऑडियो रिविजन, और इसके अलावा मस्ट डू क्वेश्चन की लिस्ट। सर ये मस्ट डू क्वेश्चन की लिस्ट क्या है, मैं आपको बताऊंगा क्या है, वो आपको मैं दिखा भी दूंगा। इसके अलावा अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ करने वाला हूं, जिन बच्चों के क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे मेरे स्टूडेंट है चाहे मेरे स्टूडेंट नहीं भी है, अगर आप रिवीजन के टाइम पर किसी भी टॉपिक में अटक रहे हो, चाहे छोटे से छोटे टॉपिक्स हो चाहे बड़े से बड़े टॉपिक्स हो, मैं आपको बता दूं कि मेरा मिशन संभव बैच मैंने मई 24 और ऑनवर्ड्स, मतलब इक्वली नवंबर 24 मई 25 के लिए लिया था, और ये मिशन संभव बैच मैंने कंप्लीटली यूट्यूब पर लिया था फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी आपने सही सुना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप रिवीजन के टाइम पर कहीं पे भी उलझो, किसी भी टॉपिक में उलझो, मैं बस आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये मिशन संभव बैच के यूट्यूब वीडियोस आप देख लेना, मैं आपको दिखा देता हूं, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे सीए जय चावला, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में आपको FR से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिलेगी, एक तो जो मैंने मैराथन ले रखा था, ये अभी आपके लिए काम करनी है, ये आपको मोस्टली सेकंड रिवीजन या एग्जाम के टाइम पर ज्यादा काम आएगा, और इसके साथ साथ आपको काम आएगा ये वाला मिशन संभव बैच नवंबर 24। यस नवंबर 24 टारगेट 80+, जिनका मई 25 है वो भी इसको ले सकते हैं। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो इसमें मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स, यस मैक्सिमम 80% टॉपिक्स मैंने कवर करके रखे हैं, और मजे की बात यह है पूरा का पूरा फ्री कॉन्टेंट है, और ये बिल्कुल रिवीजन नहीं है, ये बहुत ढंग से इसको करवाया गया है। जो बच्चों ने मिशन संभव के लेक्चर्स देखे होंगे वो अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चे जब पढ़े तो उनको समझ आ जाए कि हां भाई मिशन संभव बैच कैसा था और उनको रेफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो ये मिशन संभव बैच आप देख सकते हो, कंप्लीटली फ्री है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बैठा हूं और मैं सही बोल रहा हूं, अगर आपने मिशन संभव के हिसाब से भी किया तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सो ये बच्चों की बात तो हो गई। अच्छा अब सर मुझे हमें ये बताइए कि हमारी क्लासेस हो चुकी है, हमें रिवीजन करना कैसे चाहिए। बेटा मैं आपको ना ये पूरा प्लानर दे रहा हूं, इस प्लानर में मैंने सीक्वेंस बताया कि पहले आपको कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, कितने कितने नंबर ऑफ आवर्स देने चाहिए, बगल में आपका नंबर ऑफ आवर्स कितने एक्चुअल लग रहे हैं वो आप लिख सकते हो, इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, 2 पेजेस में है। तो ये सीक्वेंस को आप फॉलो करोगे तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपका आराम से FR हो जाएगा। कितने कितने घंटे देने हैं वो जरूरी है, नहीं तो आप अननेसेसरी ज्यादा कम टाइम दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली मैंने ये जो प्लानर बनाया है, अभी FR के एग्जाम में नवंबर 24 में अच्छा खासा टाइम है, 5 महीने है, वो ध्यान में रखते हुए मैंने 165 से 170 आवर्स दिए हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर 5 घंटे भी दोगे तो लगभग 30 से 35 दिन लगेंगे आपके आपका पूरा FR कोर्स करने में। सर कुछ ज्यादा नहीं है बेटा, पहली बार कर रहे हो, अगर रिविजन पहली बार कर रहे हो तो वो एक तरीके से क्लासेस के बराबर ही होता है। पता नहीं तुमने पहले कब क्लासेस की थी, 6 महीने 8 महीने साल भर पहले की थी, और FR बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग, और इसमें चाहिए राइटिंग, और अगर राइटिंग चाहिए तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो बच्चों मेरी बात समझो, एज अ बड़े भाई होने के नाते मैं आपको बोलूंगा कि आपको मिनिमम 150-160 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे रिवीजन करने के लिए। नीचे कुछ मैंने इसमें कुछ चीजें बताई हैं, उन चीजों को फॉलो करना, और जो यूजफुल कंटेंट है उसका ये लिंक है, इस लिंक के अंदर सारा का सारा यूजफुल कंटेंट आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, मिशन संभव बैच के जितने भी मैंने नोट शेयर किए थे, हैंड रिटन नोट्स, सॉफ्ट कॉपी PDF नोट्स, जितने भी शेयर किए थे सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा ऑडियो पॉडकास्ट मिल जाएगा, ऑडियो रिविजन्स मिल जाएंगे। इसके बाद MCQ केस सिनेरियो बेस्ड MCQs मैंने Part 1 Part 2 करके डाला था, बहुत सारे केस सिनेरियो बेस्ड MCQs मैंने यहां पर दिए हुए हैं बच्चों को, और अब से मैं नवंबर 24 से मैं जो नया बैच शुरू कर रहा हूं उसमें मैं ये केस सिनेरियो
करवाऊंगा भी और इनके मैं चीजें आपको बच्चों को प्रोवाइड भी करूंगा। इसके अलावा ये केस सिनेरियोस के अलावा और भी बहुत सारी आपको मिलेंगी चीजें, मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट मिलेगी। मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट का मतलब ये है कि मिनिमम से मिनिमम इतने क्वेश्चंस तो करने ही है। हालांकि मैं आपको यहां पर बता दूं कि फर्स्ट टाइम रिवीजन में मैं आपको बोलूंगा कि आप ज्यादा क्वेश्चंस की रिवीजन करना, पर अगर किसी किसी टॉपिक के अंदर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कम क्वेश्चंस करने, तो आप मिनिमम से मिनिमम ये मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट में से उस टॉपिक से कर सकते हो। ठीक है, ये मस्ट डू क्वेश्चंस का मतलब है कि मिनिमम आप इतने क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करो ही करो, लगाओ ही लगाओ, ताकि एफआर के पेपर में आपका पेपर कंप्लीट हो सके। सो ये आपको कहां से मिलेगा सर? आपको कुछ नहीं है करना, सीधा सीधा इस डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरे टेलीग्राम पे आपको ये दिख जाएगा, डोंट वरी, आपको आराम से ये डाउनलोड भी हो जाएगा। इसका प्रिंट निकाल के रख सकते हो ताकि आप उसको ट्रैक कर सको। ठीक है, चलिए वापस आते हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की क्लासेस पेंडिंग है। सर, जिन बच्चों की क्लासेस पेंडिंग है और उनका नवंबर 24 अटेम्प्ट है, ठीक है ना, स्पेशली नवंबर 24 अटेम्प्ट है, मैं उनको बोलूंगा कि बेटा बहुत जरूरी हो चुका है, अब भी क्लासेस लेने का सोच लो। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपको लेना चाहिए। यहां मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी हर फैकल्टी के अलग अलग आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको बताऊं कि यहां पर मिनिमम अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं की है या बहुत टाइम हो गया या फिर आपका एफआर में कॉन्फिडेंस नहीं है, वापस से क्लासेस ढूंढ रहे हो, आप कोई शॉर्ट टर्म बैच मत ढूंढना। अगर शॉर्ट टर्म बैच ढूंढनी है तो मिशन संभव कहां बुरा है भाई, 100 घंटे में तो मैंने पूरा पूरा यूट्यूब पर डाल के रखा है। बट अगर आपको प्रॉपरली अच्छे से करना है और क्या पहली बार पढ़ रहे हो, हाँ यहां पर कमेंट में कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम पहली बार एफआर पढ़ रहे हैं, मिशन संभव से हो जाएगा क्या? मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी। मिशन संभव उनके लिए जिनकी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। सो जिन्होंने क्लासेस नहीं की है उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच लीजिए और अप्रॉक्सीमेटली 150 से 170 आवर्स का कोई बैच चूज करिए। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपको 160 से 170 आवर्स बेटर रहेगा, बजाय उसके कि जो फैकल्टी आपको 130 140 घंटे या 145 घंटे दे रहा, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उससे आपको फेवरेबल मिलेगा। अल्टीमेटली वो आपको कंसेप्ट पढ़ाएंगे और उसके बाद आपको बोलेंगे कि क्वेश्चन खुद कर लो। जब क्वेश्चन खुद ही करने थे तो हमने फिर क्या ही मतलब मेहनत की इसमें, मतलब सामने वाले की तरफ से मेहनत क्या हुई। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप 160 से 170 आवर्स का एग्जाम ओरिएंटेड बैच करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप क्लासेस तो कर लोगे बट अगर आप सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं निकालोगे 1.5 से 2 घंटे रोज का, क्योंकि आपका नवंबर में पेपर है, तो 1.5 से 2 घंटे का रोज का अगर टाइम सेल्फ स्टडी का नहीं निकालोगे तो मैं आपको एक बार में बोल दूं बेटा सॉरी टू से, आपकी क्लासेस बर्बाद हैं। आप क्लासेस ना ही लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर 1.5 से 2 घंटे अगर खुद प्रैक्टिस करने के लिए, होमवर्क करने के लिए नहीं करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, इस सब्जेक्ट से आपको प्यार नहीं हो पाएगा, इस सब्जेक्ट में आप हमेशा से प्रॉब्लम में ही रहोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर अगर एग्जाम ओरिएंटेड बैच लें तो सर आपका कोई एग्जाम ओरिएंटेड बैच है क्या? डेफिनेटली मैं एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच के साथ आ रहा हूं, हालांकि इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी, आप मेरे चैनल पे जाओगे तो उसमें हमको मिल जाएगी। 29 मई से मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्टार्ट कर रहा हूं। बेसिकली ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हम 170 आवर्स का ड्यूरेशन मान रहे हैं और इसमें फुल कोर्स कंप्लीट करूंगा मैं। इसका फीस का आपको यहां पर लिखा हुआ है, व्यूज लिखा हुआ है, वैलिडिटी लिखा हुआ है, इसमें कंप्लीट कोर्स होगा। एंड बिलीव मी और नॉट बेटा, इसमें मैं बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर मुझे पढ़ाना होगा तो मैं वो चीज 90 घंटे में आराम से करवा सकता हूं। इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, साथ ही साथ मैं इसमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेके केस स्टडीज एमसीक्यूज, जो केस सिनेरियो एमसीक्यूज है, मैंने 50 एमसीक्यूज बोले हैं, वो सारे के सारे मैं डिस्कस भी करूंगा, सो दैट बच्चों को यह समझ में आ जाए कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ इस बैच के अंदर मैं लाइव गाइड भी करता रहूंगा। ऑनलाइन तो बैच रहेगा पर जो बच्चे रिकॉर्डेड लेंगे मैं उनके साथ समय समय पर जूम मीटिंग करके उनको गाइड भी करता रहूंगा। साथ ही साथ इसमें 3 टेस्ट भी लिए जाएंगे, हाँ जी, आपके टेस्ट पेपर चेक भी होंगे और जितने भी बच्चों को स्टडी रिलेटेड डाउट्स होंगे उनके डाउट्स मैं पर्सनली सॉल्व करूंगा अपने व्हाट्सएप पर। सो ये बैच हम शुरू कर रहे हैं 29 मई से। अगर आपको इस बैच के बारे में ज्यादा डिटेल्स जाननी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक को क्लिक करोगे तो आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बुक्स वगैरह क्या होंगे, कैसे होंगे और इसका टाइमिंग क्या होगा वो सब आपको मालूम पड़ जाएगा। सो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच की डिटेल्स थी नवंबर 24 वालों के लिए और उन बच्चों को क्लासेस कर लेनी चाहिए, मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा। सो गाइज, दिस वॉज अल्टीमेटली द प्रॉपर गाइडेंस। आप क्लासेस हो चुका है तो आप इस सीक्वेंस को प्लीज 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 अच्छे से फॉलो करिएगा ताकि आप आराम से 170 आवर्स में खुद से कंप्लीट कर पाएं, एक महीने में कंप्लीट कर पाएं। इवन अगर आप रैंक भी टारगेट कर रहे हो ना तो आपको ये सीक्वेंस जरूर फॉलो करना चाहिए, और अगर आप सिर्फ पास होना भी टारगेट कर रहे हो तो भी आपको सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। याद रखिएगा बच्चों, एफआर टफ नहीं है, एफआर टफ उन्हीं बच्चों को लगता है जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती है। मैं आपको लिख के बोल रहा हूं, अगर आप भी इस बात से एग्री करते हो, अगर आप ऑलरेडी पहले पेपर दे चुके हो तो आप इस बात से जरूर एग्री करोगे, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एफआर पेपर टफ नहीं है, इसको टफ क्यों बनाया गया है? क्योंकि उसमें बच्चे की इनफ प्रैक्टिस नहीं होती है। कंसेप्ट तो हम सब पढ़ लेते हैं, समझ में तो हमें सब कुछ आ जाता है, बट जब लिखने की बात आती है तो बहुत तकलीफ होती है और वहीं पर हम फेल हो जाते हैं।
एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो मेरा शुरू हो रहा है उसमें मैं ये सारी तकलीफें दूर करूंगा आप सबकी, और अगर आप यकीन करोगे तो मैं आपका अंत तक साथ जरूर दूंगा, बस तुम लगे रहो और अंत तक साथ जरूर दूंगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर आपको यूजफुल रिसोर्सेज और ये जो प्लानर है और इसके अलावा जो ये लिंक है जिसमें सारे यूजफुल कंटेंट है, अगर आपको ये चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आप उसको क्लिक करिएगा टेलीग्राम को, तो आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन में वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप ये वीडियो अभी तक सुन चुके हैं तो प्लीज आप लाइक जरूर करिएगा, मुझे आपके आपसे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे एप्रिसिएशन जरूर चाहिए ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपके बहुत सारी चीजें यूजफुल कंटेंट इस चैनल में आती रहेंगी। थैंक्स लॉट गाइस एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नवंबर 24 एंड मई 25 एग्जाम्स।